हरियाणा के जहां तीन निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है, ऐसे में नायब सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि अगले छह महीने तक सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं, क्योंकि छह महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। वहीं सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। रणधीर गोलर ने समर्थन वापस लिया। देखिए, क्योंकि ये जानकारियां आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है शायद, क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने बेल पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अब 9 मई को कोर्ट जमानत पर फैसला सुना सकती है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल जेल में बंद हैं। ईडी ने केजरीवाल की बेल का विरोध किया है। कुलगाम में सुरक्षा बलों को